ओम साई राम। तो आज का वीडियो होने वाला है पूरा धार्मिक, क्योंकि आज मैं आ पहुंची हूँ शिरडी। और मैं हैदराबाद से शिरडी आई हूँ, तो मैं उससे का पूरा व्लॉग आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत सारे व्लॉग्स में एक्चुअली डालती हूँ, जिसमें मैं फन एक्टिविटीज जो भी कर रही हूँ वो दिखाती हूँ। मगर आज का जो वीडियो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ, ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप शिरडी आने का सोच रहे हैं तो ये वाला वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो ये वीडियो जस्ट मैं फन और वीडियोस शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसलिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। मैं इसलिए ये वाला वीडियो बना रही हूँ जिससे आपको हेल्प मिले कि अगर आप शिरडी आने में इंटरेस्टेड हैं और आप कैसे आएं, तो उसके लिए मैं ये वाला वीडियो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग हैदराबाद से निकले थे शिरडी के लिए सुबह 4 बजे, 10 मार्च 2023। तो कल हम लोग निकले थे सुबह 4 बजे और हम लोग शिरडी पहुंच गए थे 4 बजे। तो हम लोग को टोटल 12 आवर्स लगे, क्योंकि हम लोग के साथ बेबी था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा धीरे धीरे आए और हम लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। मगर 10 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। तो अगर आप हैदराबाद से आ रहे हैं शिरडी, तो पूरा रूट मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ और मैंने पूरा रास्ते का पूरा वीडियो बनाया। तो कल जस्ट मैं आई थी और बहुत टायर्ड हो गई, ये वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो मैं सोची आज थोड़ा मुझे टाइम मिला, तो सुबह सुबह मैं जल्दी से ये वाला वीडियो शूट कर ले रही हूँ कि रास्ते में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। वैसे तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगर जो प्रॉब्लम हुआ आप अभी आगे वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा पुलिस वगैरह मिल गई थी, तो थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम हो गया था, तो वो आप लोग आगे आने वाले वीडियो में मेरे देखेंगे। तो आप शिरडी बस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, फ्लाइट से भी आ सकते हैं। हैदराबाद से बस भी चलती है, ट्रेन भी चलती है, फ्लाइट भी चलती है, बट हम लोग आए हैं गाड़ी से, इसलिए मैं जो गाड़ी का सफ़र है वो आज आप लोग से मैं शेयर करने जा रही हूँ। सुबह हम लोग 4 o'clock को घर से निकल गए थे और काफ़ी ठंड लग रहा था, क्योंकि इस टाइम लगा था मार्च में ज़्यादा ठंड नहीं होगा, मगर 4 o'clock को तो बहुत ज़्यादा ठंड था। पूरा रास्ते में भी पूरा कोहरा था। तो हम लोग निकल गए और थोड़ी देर में ही सोनी कुड़ी जग गई और वो भी बाहर देखने लगी। तो वो तभी भी नहीं सो रही थी, उसको नींद आ रही थी। तो जैसे जैसे टोल प्लाज़ा आता जाएगा मैं आप लोग को दिखाती जाऊंगी कि कौन कौन सा टोल प्लाज़ा पड़ा हम लोगों को। और 4 o'clock हम लोग निकल गए थे, तो 4 o'clock से 6:30 के बीच में 3 टोल प्लाज़ा निकल गए थे। तो इसलिए हम लोग जल्दी मॉर्निंग में निकले थे कि जल्दी हम लोग को ट्रैफिक ना मिले और जल्दी जल्दी हम लोग पहुँचे। तो ये 2nd टोल प्लाज़ा आ गया और इसमें कुछ वेलकम DIL लिखा था, तो ये दूसरा टोल प्लाज़ा था। तो सुबह के अभी 5:30 बज गए थे, मगर फिर भी चांद दिख रहा था। और आप देख सकते हैं ये शोलापुर लिखा है, इसी रास्ते में आगे जाना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, सुबह होती जा रही थी, तो ये वीडियो लेने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि वैसे तो हम लोग बहुत जल्दी उठ नहीं पाते हैं, मगर इस बार ऐसे पूरा सूरज निकलते हुए देखने का मौका मिला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं 6:18 हो गया और 6:18 में भी थोड़ा थोड़ा कोहरा था, मगर ठीक। और बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी, बिल्कुल भी आप विंडो नहीं खोल सकते, बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। तो ये शोलापुर रोड में हम लोग निकल गए और वेलकम टू कर्नाटका लिख दिया। तो आफ्टर 3 आवर्स हैदराबाद से निकलने के बाद हम लोग कर्नाटका पहुंच गए। और जस्ट कर्नाटका में हम लोग 1 घंटे ही हम लोग का रोड था, उसके बाद फिर हम लोग का ये दूसरा टोल गेट आ गया और फिर हम लोग महाराष्ट्र में एंटर कर गए थे। तो आधे रास्ते तपन ने ड्राइव किया और आधे रास्ते मैंने ड्राइव किया। और हम लोग ड्राइव करते करते बात भी करते जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी हम लोग सुबह निकल गए थे तो नींद पूरी नहीं हुआ था,
तो इसलिए हम लोग दोनों बात करते हुए जा रहे थे, वीडियोस लेते हुए जा रहे थे और गाना वगैरह सुनते हुए जा रहे थे। तो आधे आधे रास्ते हम लोग ड्राइव करके हम लोग पहुँच रहे थे शिरडी। और आप देख सकते हैं ये ऊपर शिरडी 275 दिखा रहा है, तो अगर आप रोड के बोर्ड के हिसाब से चलेंगे तो वो अलग रूट दिखाएगा, और अगर आप मोबाइल के नेविगेशन के हिसाब से चलेंगे तो वो अलग रूट दिखाएगा। तो शिरडी में जो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि अगर आप शिरडी में रोड में जा रहे हैं और रोड के बोर्ड के हिसाब से चलेंगे तो वो अंदर अंदर गाँव का रूट दिखाता है और वो नॉर्मल हाईवे नहीं दिखाता है। तो आप नेविगेशन करके चलिए, तो नेविगेशन चलेंगे तो आपको रूट ज़्यादा दिखाएगा, मतलब आपको किलोमीटर ज़्यादा दिखाएगा मगर आपको टाइम कम पड़ेगा। और ये रास्ते में हम लोग को पुलिस पकड़ ली थी क्योंकि हम लोग के पास पॉल्यूशन वाला डॉक्यूमेंट नहीं था, तो फिर रास्ते में ही हम लोगों ने वो डॉक्यूमेंट बनवाया, बट उससे पहले हम लोग का पैसा जा चुका था। हम लोग ने भी आधा रास्ता तो हम लोगों ने हाईवे का ही पकड़ा था, मगर फिर हम लोग भी थोड़ी देर बाद बोर्ड के हिसाब से चलने लगे तो वो हम लोग को गांव का रूट दिखा दिया था। तो फिर हम लोग आधा रास्ता, फिर हम लोग वो जो रोड से आए वो काफ़ी ख़राब था, और हम लोग ने भी यही सोचा कि शायद टाइम कम पड़ेगा तो हम लोग वो रास्ते से चलते हैं, मगर रोड इतना ख़राब था कि उसमें ज़्यादा टाइम लगा। तो आप नेविगेशन करके पूरा हाईवे का ही रास्ता पकड़िए तो आप जल्दी पहुँच सकते हैं। तो आप नेविगेशन में भी देखेंगे तो आप लोग को दो रास्ता दिखाएगा, एक हाईवे वाला और एक अंदर गांव का। तो हाईवे वाला 266 किलोमीटर दिखाएगा और गांव रोड से जाएंगे तो 214 किलोमीटर दिखाएगा। तो हम लोगों ने भी आधा हम लोग हाईवे जाके फिर हम लोग को लगा कि हम लोग अंदर का रास्ता पकड़ते हैं कि किलोमीटर कम पड़ेगा, मगर हम लोग को टाइम ज़्यादा लग गया। तो 214 किलोमीटर हम लोग पकड़े मगर हम लोग को टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, तो पूरा हाईवे का ही रोड पकड़ना था, ये हम लोग ने गलती करी। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो हम लोग शिरडी पहुंच गए और फिर से सोनी कुड़ी सो चुकी थी और हम लोग भी बहुत टायर्ड हो गए थे। और नेक्स्ट वीडियो मेरा है कि हम लोग कहाँ पे रुके थे, था साई बाबा ट्रस्ट का जो एकोमोडेशन है हम लोग उसी में ही रुके थे, तो उसका पूरा मैंने एक फुल वीडियो बनाया है जो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आने वाला है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप शिरडी जा रहे हैं और आपको कम प्राइस में एक अच्छी जगह में रुकना है तो आप ये वाला ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और नेक्स्ट वाला वीडियो भी मेरा बहुत हेल्पफुल है, अगर आप शिरडी जा रहे हो तो वो वाला भी वीडियो एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं। ओम साईं राम।